गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉग की ब्रीडिंग के बारे में, मेटिंग के बारे में, कि आप अगर आपके पास कोई फीमेल डॉग है तो आप उसकी मेटिंग कब करा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेटिंग का टाइम क्या है। तो आपकी फीमेल डॉग जब 15 मंथ्स को क्रॉस कर ले तब आप उसकी मेटिंग करवा सकते हैं। 15 टू 18 मंथ उसका आइडियल टाइम पीरियड होगा, जिससे वो हेल्दी रहेगी और उसके बच्चे भी हेल्दी होंगे। दूसरा सवाल ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि जब आपकी फीमेल हीट पे होगी तो स्टार्टिंग में उसे 10 डेज ब्लीडिंग डार्क रेड में होगी, फिर वो उसकी ब्लीडिंग पिंकिश हो जाएगी, तब आपको ब्रीडिंग करवानी है। स्मॉल पपीज़ में हीट के नौवे स्मॉल ब्रीड के साइज़ में आप 9th डे पे ब्रीडिंग करवा सकते हैं, 9th और 11th डे पे। अगर आपका बड़े साइज़ जाइंट साइज़ का ब्रीड है तो आप 10th या 11th डे पे उसे ब्रीडिंग करवा सकते हैं। मेटिंग करवाने के पहले आपको अपने डॉग की डीवॉर्मिंग करवानी है। उस जब वो मेटिंग करवाने के बाद आप उसको अवॉइड करिएगा और उसके साथ साथ उसे कैल्शियम और कैल्शियम के सप्लीमेंट ज़रूर दें, लीवर टॉनिक दें और डॉग का वेट ना बढ़ाएं, क्योंकि जितनी फीमेल डॉग मोटी होगी उसे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसे हेल्दी रखें, मोटा ना बनाएं। स्टार्टिंग में उसे कम फीड ना दें, नॉर्मल फीड दें, बहुत लोग बढ़ा देते हैं। 30 डेज मेटिंग के 30 डेज बाद आप उसकी फीड बढ़ाएं और 60 जो डे होता है उसके एक दो दिन आगे या पीछे, आगे पीछे तो नहीं होता है, एक दो दिन बाद तक उसकी मेटिंग में वो बेबीज़ को दे देती है। तो आप जब भी बेबीज़ देने वाली जब वो हो उसका डिस्चार्ज आपको दिखे तो आप उसके लिए एक लगभग 4 फीट का स्पेस बना दें, कोई आसपास अननोन लोगों को ना जाने दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। और ये चीज़ आप उसका जगह जिस पे जहाँ पे वो अपने पपीज़ को देगी तो वहाँ पे आप उसे 3 या 4 दिन पहले लेके जाएं, जिससे वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए। डॉग को आपको रनिंग पे लेके नहीं जाना है, आपको उसे बस नॉर्मल वॉक पे लेके जाना है और ज़्यादा उसे सोशलाइज नहीं करवाना, क्योंकि देखा जाता है कि जब मेटिंग के बाद जो फीमेल डॉग होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो थोड़ा शाई फील करती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें और फीमेल को न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ें दें, उसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स दें, आयरन ज़रूर दें दोस्तों, जिससे वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहे। और जब वो बेबी दे दे तो वो बेबी कुल्लिक वगैरह करेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप वो जब बेबीज हों तो आप उन्हें उनको मिल्क, अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप उन्हें उनको मिल्क तक फीड करवाएं, खुद से अपने हैंड फीडिंग भी आप करवा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।